मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या का किसी संख्या का 32% किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका सलूशन आइए निकालते हैं। इसका सलूशन हम आपको सबसे पहले बेसिक मेथड से बताएंगे। जो हमारा बेसिक मेथड है उससे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका अल्टरनेट मेथड बताएंगे जो शॉर्ट होगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले बेसिक मेथड की ओर। तो हम इसे मान लेते हैं कि माना कि संख्या यक्स है। यक्स जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि संख्या का 32%, तो संख्या का 32% क्या हुआ? यक्स गुणे 32%। यह संख्या उसी संख्या मतलब यानी यक्स के 17% से 120 अधिक है। तो कहने का मतलब यह हुआ यक्स का 32% बराबर होगा यक्स का 17% प्लस 120 के, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो यक्स का 32% बराबर हुआ यक्स का 17% प्लस 120 के। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। यक्स का 32% क्या हुआ? यक्स पूरे 32/100 इज इक्वल टू यक्स कूड़े 17/100 = 120। यक्स का 32% / 100 यानी कि 32x/100 इज इक्वल टू 17x/100 प्लस 120। अब इस 17x को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से 32x/100 माइनस 17x/100 इज इक्वल टू 120। फिर आगे बढ़ते हैं। 32x/100 माइनस 17x/100 इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 100 है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है यानी कि हर जब किसी भी दो भिन्न का हर समान हो तब वह उसके नॉमिनेटर आपस में घटा दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। तो यहां घटाना है तो हम इसमें से इसे घटा देंगे। तो 32x में से 17x माइनस करेंगे, 32x में से 17x माइनस करेंगे, बटे 100 लिखेंगे, ये बराबर 120 के।
32 एक्स में से 17 एक्स माइनस किया तो आया आपका 15 एक्स बटे 100 इज इक्वल टू 120। अब यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 वन जा 15, 15 एट जा 120, तो यक्स का मान जो हुआ वो आया 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 800। अतः संख्या यक्ष का मान 800 प्राप्त हुआ। इसका हम अल्टरनेट मेथड बताते हैं। एक अल्टरनेट मेथड है, दूसरा तरीका जो शॉर्ट टिक पर है। सिंपल सा है, प्रश्न में जैसा कि कहा गया है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 20 अधिक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों परसेंट का जो डिफरेंस होगा वो कितने के बराबर होगा, 120 के। दोनों परसेंट का जो डिफरेंस होगा वह किसके बराबर होगा, 120 के। तो 32% माइनस 17% इज इक्वल टू 120। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 15% इज इक्वल टू 120। तो 15% इज इक्वल टू होता है 15/100 इज इक्वल टू 120। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 8 जा 120, 1 की वैल्यू क्या हो गई, 800। अतः जो संख्या हुई वो क्या हो गई, 800। तो दोस्तों ये हमारा शॉर्ट मेथड था। ये ऊपर का जो मेथड है वो बेसिक मेथड है। तो हमें भरोसा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग इस तरह से पर डे हमारी वीडियो अपलोड होती रहेगी, आप इसे देखते रहें। इसी तरह से हम सारे चैप्टर कवर करेंगे और पर डे हम वीडियो लोड करेंगे और हर क्वेश्चन का वीडियो हम इसी तरह पूरे सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे। ओके, थैंक्स।